अस्सलामुअलैकुम माय ड्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अभी जनाब सुबह तकरीबन 10 का टाइम हो रहा है, तो गर्मी जो है ना उसमें जनाब हमला किया हुआ मैंने। हालांकि ये पहना हुआ है लेकिन इसमें भी मुझे सीधी बात है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। उतारूँगा तो फिर तो भीज भी लगेगी, ये नहीं है कि नहीं लगेगी। यहाँ पर क्या है, ये लगता है वहाँ पर चूहा वगैरह था। यहाँ पर जनाब चूहे वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, क्या करें, फिर रहना तो है ही। तो तारा बरकत पता नहीं क्या कर रही है। कोई है? कोई है? किधर जा रहे हो? कूड़ा फेंकने के लिए वैसे सब जा रहे हैं। आजकल हमने इसको रखा हुआ है कूड़ा फेंकने के लिए, क्योंकि हमें और कोई बंदा मिला नहीं है, इसलिए कहा है कि चलो मुझे मंथली जो है ना 100 रुपया देते रहना और मैं आपका कूड़ा वगैरह जो है ना वो मंथली जी आज के थ्रू कितना है, तो महीने बाद इधर मिलना है, 100 रुपया महीने बाद इसको ना मिला करेगा 100 रुपया जी। आज शुरू किया था पुत्र, तू काम शुरू कर देने पहले? नहीं भाई, ऐसी देखना है तू सही है बंदा या नहीं। एडवांस लेके तू नाच जाए फायदा कोई नहीं, सोट के जल्दी आ। एडवांस लेके तू नाच जाए, सारा एडवांस भी ले जाए, सानू यह जो फिर कूड़ा क्रिकेट फेंकर वाला की फायदा फिर है? सफाई अच्छी तरह करनी है, मिलनी कोई शायद नहीं। अगे क्या सुटे अगे जाके अगे करके इत मैं कैमरा चला रहा नेड़े सट्टी सही तू आई दे आओ सुनू कर दे आई दे छोड़ दे चल छोड़ दे उपरा सट्टेगा तो उपरले घर वाले कहे साढ़े को सट्टन डेने वो वाले इस वास्त इतने ठीक है। हाँ जी हाँ जी आ जा। स्मैल किए आती भी तेरा वर्ग तपनी की किया तपनी पा रही ना पता सी मैनू की होंगे रेजर्वेशन की कर रही बोतलों ना सुट देने जरूरत है अजकल कि माड़िया ने वो सुट देना बाकी रख ला क्योंकि गर्मी आ गई है बोतल होना पर कम आनिया ने फ्रिज फ्रुज के क्यों है सब की कर रहे हैं राती जाने की और बनाई नहीं राती नहीं जाए जिड़ जाती नहीं पाई सी और राती पाई नहीं सी अजे तक नहीं और पाई ने थंबनेल बनाया। अच्छा थंबनेल फोटो नहीं लाई है और क्या वाह चंगी गल। बोतलें वगैरह सारी जो है ना वो तेरा ने यहाँ पर फेंक दी, इसको मैंने बोला भी था कि कुछ बोतलें रख लेना तेरा बरकत ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕੁਝ ਰੱਖ ਲਵੇਂ ਆ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਸਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਜਰਾ ਸੀ ਮਾਰ ਲਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗੂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫ੍ਰਿਜ ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਮੰਨਾ ਕੂਲਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਵੇ यहाँ से लेकर ऐसे और वो एंड तक सारी छाती पार तो यहाँ पर ना हम बना रहे हैं कुछ कुर्बानी के लिए जो बकरे होते ना वो बंदा खरीदे और तकरीबन कुर्बानी से कोई 5 या 4 मंथ पहले तो उसके बाद फिर ना उनकी अच्छी तरीके से परवरिश करें कुछ दाना वगैरह होता है खुश्क चारा होता है वो उनका उनको डाल करना तो तकरीबन अगर 25 से 30 हज़ार का बकरा लिया जाए ना तो सिर्फ 4 या 5 मंथ उसको मतलब के परवरिश अच्छी तरह करके खर्चा वगैरह सब कुछ निकाल के एक बकरा जो है ना वो 30 से 50 हज़ार के दरमियान जो है ना वो पैसे देगा। अगर हम मिसाल के तौर पर 25 हज़ार का एक बकरा लेते हैं और 5, 6, 7, 10 की एवरेज लगा लेते हैं 10 लेते हैं तो वो कितने का बनेंगे वैसा 4, 1 लाख के 4, 2.5 लाख के बकरे हो गए और 2 लाख उन पर खर्चा हो गया तो वो तकरीबन 10 लाख के करीब जाएंगे 10 बकरे जो है ना 10 लाख 9, 8 और 10 के दरमियान में कहीं ना कहीं भी जाएंगे। उसको अगर मंथली के तौर पर मतलब के देखा जाए कि मंथली कितना बनता है वो तकरीबन 35-40 हज़ार रुपया मंथली बन जाता है 5 मंथ की इसकी परवरिश करके। तो हम सोच रहे हैं कि इस तरह का कुछ ना कुछ हिसाब लगा लिया जाए हाँ बाकी अल्लाह करम करेगा हाँ जिस जिसने हिस्सा डालना डालना है वो हिस्सा डाल सकता है कुर्बानी में कुर्बानी के बकरों में जिस जिसने हिस्सा डालना है मेरी बहन मेरा भाई हाँ जी वो बिला झिझक हमसे राब्ता करे हम कभी नहीं कहेंगे कि रहने दे
हाँ जी उनके बकरे हम पाल कर बड़े करके उनको देंगे और वो को चाहे भी तो कुर्बानी हम कर देंगे। नहीं इसने तो मजाक में बात डाल दी है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं क्योंकि हमारा पीछे जो प्लाट है ना पड़ा हुआ गांव में, क्योंकि गांव में हमारा ना गांव वाला प्लाट इतना महंगा नहीं होता, सीधी बात वो 5 महल का प्लाट है, वो ज्यादा से ज्यादा भी जाएगा ना 3-4-5 लाख के दरमियान ही जाएगा, मतलब कि वहाँ रेट ही इतना है, तो वो हम सोच रहे हैं 4-5 तो नहीं 3 तक ही जाएगा, मतलब 70-80 हज़ार 60 हज़ार रुपये वहाँ मरले का रेट है, तो गांव के इलाका ना सोसाइटी तो है नहीं, तो हम यही सोच रहे हैं कि वो सेल करके हम ना यहाँ बकरों का कोई बंदोबस्त करें। बाकी आप हमें मशवरा ज़रूर दीजिएगा कि हमें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रॉफिट है ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनमें मतलब कि प्रॉफिट नहीं भी है, मतलब नुकसान होता है, एक बकरा बीमार हो गया अल्लाह ना करे इसकी डेथ होती है, तो मतलब कि वो सारा कुछ ख़त्म जो प्रॉफिट है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप हमें ज़रूर बताइएगा हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इस पर 2-3 दिन से मतलब कि ना गौर से बात कर रहे हैं आप एक दूसरे से, और इरादा बन रहा है हमारा, बाकी अल्लाह करम करेगा। अगर उसकी अच्छी परवरिश हो, मतलब उसका ठीक से देखभाल हो, तो फिर कैसे बीमार नहीं वो हो जाता है फिलहाल, अल्लाह ना करे 10 होंगे तो शायद कुछ हो या ना हो तो ना भी हो, सर्दी चली गई तो सर्दी निकल गई है, चलो अल्लाह करम करे, अल्लाह करम करेगा देखेंगे फिलहाल। जी अभी हम बना रहे हैं दाल चावल, क्योंकि अर्शद साहब ने कहा कि आज मेरा बहुत दिल कर रहा है दाल चावल खाने को, मैंने कहा जी ले आए दाल चावल बना लेते हैं, मसाला जो है दाल का मैं भून रही हूँ, चावल साफ कर लिए हैं, दाल भी साफ करके मैंने भिगो दी है यहाँ पे, ये देखें तो अभी मसाला भून चुका है, इसमें दाल डालते हैं और पानी डालते हैं जी। और मैं शॉप पर गया हूँ तो जनाब सुपर जो है ना चावल सुपर वो 400 रुपए किलो थे, और जो कायनात है वो 300 रुपए किलो थे, मैं रेट सुनकर हैरान हो गया हूँ, आज से 10-15 या ये पेट्रोल महंगा होने से पहले अगर देखा जाए 220 रुपए ये कायनात थी, और 300 के ऊपर नीचे थी थोड़ा सा भी, लेकिन आज बहुत महंगे, बाकी अल्लाह ताला करम करेगा, कुछ हो गया बहुत ज्यादा अल्लाह ही करम करने वाला है। दाल हमने डाल दी है, हाँ जी दाल डाल दी है बस, ए शोरबा लामी चंगी तरह तक हाँ जी, कुछ मतलब शोरबा दाल का पीना चाहिए अच्छा होता है, उस तो बाद बनावांगे फिर आप चावल वास्ते, ते नहीं कुछ 4-5 किलो पानी पा दे याद कर, ये गल क्लियर है, ओके हो गया जी, ओके हो गया, आप देख रहे हैं दो पानी है, ये भी पानी है और वो भी पानी है, अब सोच रहे होंगे दो पानी इधर एक बड़ा है इधर बड़ा है, भाई बात ये है कि ये पानी पीने वाला है और सालन वगैरह बनाना आटा गूंदना, और ये पानी जो है ना ये तारा बरकत के फेस के लिए, तो यहाँ का पानी जो है ना वो रात नहीं आ रहा, और बहुत जल्दी जो है ना तारा बरकत की भतीजी जो है ना उनकी शादी आ रही है, तो फिर वो भी अटेंड करनी है, तो हमारा फिर फेस जो है ना वो थोड़ा सा ना हो गया है ब्लैकी स्याही से वाला, तो वो हमने ये पानी जो है ना वो स्पेशल लेकर आए घर से, ये स्पेशल पानी कोई आम पानी नहीं, तो इससे माशाल्लाह ना मेरी बेगम निखर जाती। हाँ जी देखो जी क्या निखार है मैंने आज ही पानी जनाब इससे वॉश किया, आप देख रहे हैं लाल गाले हो गए, तो ये इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद आपको रिजल्ट दिखाएंगे इस पानी का, और जिसको ये पानी चाहिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं आपको मिल जाएगा। और हम चाहते थे कि हमें कोई जा बाहर मतलब के खेतों में कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर मतलब के थोड़ा सा ना हिसाब किताब बंदा लगा कर बैठ जाता है, आर्जी तौर पर एक तरह समझ लो मतलब के एक घर हम फिर रख लेते, असद फैमिली और हम दोनों की बात कर रहे हैं कि या उधर वाला घर रख लेते या ये रख लेते, और उधर बाहर कोई ऐसा हिसाब लग जाता जहाँ पर मतलब के कोई बंदा बकरी वगैरह रख लेता है, मुर्गी रख लेता है, कोई भैंस वगैरह रख सकता है, तो उससे मतलब के विलोगन भी ना साथ में होती है, वो भी मतलब के काम चलता रहता है, और एक घर इधर रख लेते इस तरह हमारा रेंट जो है ना वो भी मतलब बचत हो जाती है, और हमारा चैनल भी शायद थोड़ा बेहतर हो जाता। अब इधर मतलब के क्या बंदा दिखाए, इधर बैठ कर सीधी बात है घर की चीज़ें बार दिखाना, खाना दिखाना वो भी मतलब अच्छा नहीं लगता, और बाहर इधर का माहौल ऐसा है, बाहर अगर मार्केट में बनाते हैं तो लोग बनाने नहीं देते वीडियो, वो कहते हैं भाई लेडीज़ आ रही हैं ये वो है। अगर वैसे मतलब कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हो चुके हैं, अगर महंगाई 1 रुपया होती है ना वो 2 रुपये ऊपर ज़्यादा लगा देते हैं, मतलब कि कोई पूछने वाला नहीं है ना, तो जब बंदा अगर अब मैं ये चावल लेकर आया हूँ दाल लेकर आया हूँ तो वहाँ पर मैं वीडियो बनाता, उसने कहना था भाई क्यों बना रहे हो, मैं हालांकि उनको इतना भी समझाता ना उनको कि यार ऐसा यूट्यूब चैनल है कोई खतरे वाली बात नहीं, लेकिन उसने फिर भी नहीं माना था, उसने कहा यूट्यूब चैनल हमारी सोशल मीडिया पता नहीं ये बताने लगा कि रेट इतना है ये वो है, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो यहाँ पर रेट ज़्यादा लगा कर बैठा हुआ है, जो हुकूमत का रेट है उससे भी ज़्यादा, तो इसीलिए बात करने का मकसद ये है कि अगर बाहर कोई ऐसी जगह होती जहाँ पर हम मतलब कि थोड़ा सेटअप बना लेते खेतों में
तो वहाँ पर थोड़ा व्लॉगिंग भी अच्छी हो जाती और हम शायद कुछ जानवर वगैरह भी साथ में रख लेते, लेकिन उस तरह का कोई हिसाब नहीं लग रहा। बाकी आप दुआ कीजिएगा कि हमारा कोई ऐसा कोई ना कोई हिसाब लग जाए। तो इस वीडियो का यहीं पर मैं एंड करने लगा हूँ। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें और हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।